गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। फिलहाल रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी नोटिस आउट किया गया है और ये नोटिस किसके फेवर में है? एएलपी टेक्नीशियन, जेई और ट्रेन मैनेजर के फेवर में है। ये जो नोटिस जारी किया गया है, इस नोटिस में सिलेबस को लेकर भी डिस्कशन किया गया है और कैसे कैसे एग्जाम होगा, इन सभी बातों पर डिस्कशन किया गया है। अभी देखिए, मैंने आपको एक सेशन दिया था रेलवे के तहत, बताया था कि भाई 15 जुलाई 2023 को जीडीसी यानी कि रेलवे में जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी होती है उसका बहुत बड़ा एक नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। अभी तक तो वो नोटिफिकेशन नहीं आया है क्योंकि आज ही है 15 जुलाई, लेकिन उम्मीद है कि नोटिस वो है जो नोटिफिकेशन है वैकेंसी को लेकर के, वो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो देखते हैं हम कि रेलवे भर्ती 2023 में जो डिपार्टमेंटल वैकेंसी है तो उस वैकेंसी में नोटिस को लेकर के क्या है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपने रेलवे के हर जोनल को ये नोटिस ट्रांसफर किया है, ये नोटिस एक भेजा है। और इस नोटिस में क्या लिखा गया है, ये ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, हम किसकी किसकी बात करेंगे, एएलपी टेक्नीशियन की बात करेंगे, जूनियर इंजीनियर की बात करेंगे और यहाँ पर ट्रेन मैनेजर की बात करने वाले हैं। उसके सिलेबस को हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजमेंट हुआ है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें सिलेबस में से उसको बाहर किया गया है ना। तो देखिए इसमें क्या है वो जानकारी, सबसे पहले देखिए इसमें जानकारी है जीडीसी फॉर एएलपी टेक्नीशियन के लिए, है ना। आप गौर से देखिएगा, ये जीडीसी एएलपी टेक्नीशियन के लिए बताई जा रही है, जीडीसी एएलपी टेक्नीशियन के लिए ये सिलेबस है। इसमें कितने स्टेज में आपका एग्जाम होना है, तो इसमें सिंगल देखिए एक सीबीटी एग्जाम होगा, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगी, है ना। तो पहले अगर आप सीबीटी एग्जाम देते हैं यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अगर आप एएलपी बनने के लिए एग्जाम देते हैं तो आपको 2 सीबीटी एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन इसमें केवल 1 ही सीबीटी एग्जाम देना है, ये खुशी की बात है। देखिए 2 पेपर होगा आपका, पार्ट ए और पार्ट बी 2 पेपर होगा, इसका डिटेल्स आपके सामने है जो सिलेबस है। देखिए पार्ट ए है, पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा, इसका इस एग्जाम का ड्यूरेशन टाइम है 90 मिनट, है ना, और क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस को यहाँ पर पूछा जाएगा। जो विद्यार्थी पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में आते हैं उनको 120 मिनट का समय दिया जाएगा, है ना। हो सकता है कि लिखने वाला उनका हाथ ही काम ना करता हो ढंग से, तो उनको टाइम अधिक लग सकता है, जिसके वजह से 120 मिनट का समय दिया गया है। अब यहाँ पर सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस जो है वो क्या पूछा जाएगा सिलेबस, है ना। तो सिलेबस में देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स, आपको और कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। मान लीजिए कि आप रेलवे में अभी ग्रुप डी के पोस्ट पर कार्यरत हैं, तो जिस टाइम पर यानी कि 2018 में आपकी ज्वाइनिंग होगी, 2018 वाली वैकेंसी की ज्वाइनिंग आपने लिया होगा या फिर उससे पहले भी लिया होगा, तो जो अर्थमेटिक उस टाइम पे आपने पढ़ा वही पढ़ना है। बस कुछ टॉपिक को यहाँ बाहर कर दिया गया है और कुछ टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो मैथमेटिक्स में आपको बेसिकली क्या पढ़ना है, देखिए नंबर सिस्टम को, बोर्ड मास को, डेसिमल को, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपरेशन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, यानी कि ये जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पीडीएफ को टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, ज्वाइन जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, है ना। तो ये मैथमेटिक्स का सारा तामझाम जो है ये आपको पढ़ना है। और इसके अलावा देखिए आपके सिलेबस में और यहाँ पर क्या इंक्लूड किया गया है, देखिए जनरल इंटेलिजेंस, किसको, जनरल इंटेलिजेंस को पढ़ना है एंड रीजनिंग को। इसमें क्या पढ़ना है आपको, एनालॉग्स को पढ़ना है, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डीकोडिंग को पढ़ना है, मैथमेटिक्स, ऑपरेशंस को पढ़ना है, रिलेशनशिप को पढ़ना है, है ना। तो ये सारी चीजें आपके जनरल अवेयरनेस होगी। और इसी के साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये एक बहुत ही अहम पार्ट होता है, एक बहुत ही बेसिक सिलेबस का पार्ट है, मेन पार्ट है, यू समझिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे, टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा। जैसा कि अब देखिए यहाँ पर क्या है, शैल बी इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग तो आईटीआई में भी है, डिप्लोमा में भी है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप क्या पढ़ेंगे कि प्रोजेक्शन को आपको पढ़ना होगा, किसको, आप
प्रोजेक्शन को पढ़ेंगे और प्रोजेक्शन के साथ व्यू, ड्राइंग, इंस्ट्रूमेंट, लाइंस कितने प्रकार के होते हैं, जियोमेट्री को पढ़िए, फिगर्स को पढ़ना पड़ेगा, सैंपल को पढ़ना पड़ेगा, प्रिपरेशन को। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर के सारे पार्ट है, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये कोई नई चीजें नहीं है, आपको सब मालूम है पहले से। फिर देखिए आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है ना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आप आईटी कर रहे हैं ना, या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर बीटेक कर रहे हैं, आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां से आपने पढ़े सिंपल मशीन्स। अभी सिंपल मशीन का देखिए, हमने जनरेटर वाला पार्ट स्टार्ट किया है और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आप वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। और देखिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये तो आईटीआई का सबसे फर्स्ट यूनिट का सबसे पहला पार्ट है ना, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड साइंस, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड साइंस, एनवायरमेंट, एजुकेशन, आईटी लिटरेसी, यहां से भी क्वेश्चंस पढ़े, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस है, और इसी के साथ में जनरल अवेयरनेस भी आपको पढ़ना है, तो यहाँ से आपका पार्ट फर्स्ट कवर हो जाता है। और देखिएगा जो पार्ट फर्स्ट है ना, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, इसमें से कितना 70% नंबर जो है वो इंक्लूड किया जाएगा, शामिल किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो फिर 30% कहां से लेंगे 100% बनाने के लिए, वो आगे देखते हैं कि कहां से लेने वाले हैं। इसके साथ में देखिए पार्ट जो बी है, ये 60 मिनट का एग्जाम होगा, 75 क्वेश्चंस होंगे। और ये क्या पूछा जाएगा इसमें, तो इसमें पूछा जाएगा दोस्तों, इसमें आपका क्या पूछा जाएगा, तो आप देखिए साइको टेस्ट होगा, इसमें क्या होगा, साइको टेस्ट, और आपके ट्रेड से रिलेवेंट क्वेश्चन इसमें जो है वो पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि भाई इसमें फॉर्म जो है ना वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ध्यान से देखिएगा, यदि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है या फिर इससे रिलेटेड कोई ट्रेड आपने किया है, तो आप इलेक्ट्रीशियन में फॉर्म भर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में, वायरमैन में, वाइंडर, आर्मेचर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक में। और यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक किया है या इससे रिलेवेंट कोई ट्रेड किया है, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी में फॉर्म भर सकते हैं। फिर यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इससे रिलेवेंट कोई ट्रेड है आपका, तो फिटर में, मैकेनिक मोटर में, मैकेनिक मोटर व्हीकल में, ट्रैक्टर मैकेनिक में, मैकेनिक डीजल में, टर्नर, यानी कि ये दुनिया भर का ट्रेड दिया गया है, इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऑटोमोबाइल से यदि आपका इंजीनियरिंग है, तो फिर आप मैकेनिकल मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिकल, मैकेनिकल डीजल, हीट इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। और यदि आपने 10+2 कंप्लीट किया है फिजिक्स और मैथ के साथ, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स है ना, ये आपके लिए है। तो देखिए ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो इन ट्रेड के लिए आप फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। अभी देखिए आज ही के दिन वो नोटिफिकेशन लॉन्च होने वाली है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी, उस नोटिफिकेशन का टोटल जो ब्यौरा, जो टोटल डिटेल्स है, उसको मैं आपके साथ जो है शेयर जरूर करूंगा, ठीक है ना। अब देखिए ये रहा आपका ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ओनली कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ईएलपी के लिए। टेक्नीशियन यहां तक नहीं पहुंचेगा, टेक्नीशियन को केवल एक सीबीटी एग्जाम देना है और फाइनल उनका डीवी वेरिफिकेशन, फिर उनका फाइनल लिस्ट बन जाएगा वो ज्वाइनिंग लेटर, है ना। लेकिन यहाँ पर एएलपी वालों को साइको टेस्ट भी देना पड़ेगा, है ना। जितना आपका वैकेंसी है उस वैकेंसी का कितना आठ गुना वो बुलाएंगे एएलपी साइको टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये टोटल किसके लिए था, ये टोटल साइको टेस्ट के एएलपी के लिए था और टेक्नीशियन के लिए। अब देखिए जूनियर इंजीनियर यानी कि डिप्लोमा वाले विद्यार्थी, है ना, जो डिप्लोमा इंजीनियर के स्टूडेंट्स है उनके लिए। अब जूनियर इंजीनियर के यहाँ पर सिलेबस क्या रखा गया है, तो देखिए सीबीटी एग्जाम जो उनका होगा 120 मिनट का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे, और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 160 मिनट का समय दिया जाएगा। और सिलेबस आपके सामने है, सिलेबस में क्या पढ़ना है, सारा चीज पढ़ना है। देखिए क्या क्या पढ़ना है यहाँ पर, जैसे कि हो गया आपका जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, बेसिक एनवायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड टेक्निकल एबिलिटी, ये सारी चीजें आपको क्या करना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जनरल अवेयरनेस, है ना, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, ये चीजें आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये किसके लिए है, ये जूनियर इंजीनियर के लिए है। और ये सारी चीजें देखिए यहाँ पर जब आप गौर से देखेंगे, तो जनरल अवेयरनेस को भी इसमें शामिल किया गया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को भी, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस को भी, बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉपुलेशन कंट्रोल को भी। यानी कि
इसमें जीके और जीएस यहां से यहां तक अगर आप देखें तो जीके और जीएस दोनों इसमें कवर हो जा रहे हैं ना। फिर आता है आपका टेक्निकल एबिलिटी। ये देखिए टेक्निकल एबिलिटी में अब आपको क्या देखना है कि जैसे कि जनरल अवेयरनेस तो देख लिया आपने, 15 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये है आपका 15 नंबर का, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन ये भी है 10 नंबर के, और एनवायरमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल वाली है ये 10 नंबर के। टेक्निकल एबिलिटी है जो 100 नंबर का अकेला, जिस ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना उसी ट्रेड का आपका टेक्निकल एबिलिटी क्वेश्चन बन जाएगा और 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करना है ना, और 120 मिनट यहाँ पर समय भी दिया गया है समय को ध्यान रखते हुए। अब निगेटिव मार्क का क्या रोल है इस बार, क्या नहीं है? वैसे तो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो बिना निगेटिव मार्क का वो कंप्लीट होता ही नहीं है, है ना। फाइनल जब इसका एप्लीकेशन आएगा, फॉर्म अप्लाई करने वाला नोटिफिकेशन आएगा, तो उसमें देखेंगे कि क्या कुछ नया है क्या कुछ पुराना है, है ना, ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा देखिएगा सिलेबस किसका किसका इक्वल हो सकता है ना। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मशीन इंजीनियरिंग, टूल एंड मशीन इंजीनियरिंग, टूल एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम, बेसिक स्ट्रीम ऑफ एबोव डिसिप्लिन। तो इतने जो ट्रेड है, इतने जो इंजीनियरिंग के कोर्स है, ट्रेड है, ये इनका एक जैसा रहेगा सिलेबस। इनका कैसा सिलेबस रहने वाला है? बिल्कुल इक्वल सिलेबस रहने वाला है। और उसी के साथ में देखिएगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से है या फिर इलेक्ट्रिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, है ना, ये सारी दुनिया भर की चीजें दे रखी है। इन सभी का सिलेबस कैसा होगा? बिल्कुल एक जैसा होगा, है ना। और यहाँ से अलग है सिविल इंजीनियरिंग और बीएससी एंड सिविल इंजीनियरिंग, 3 ईयर ड्यूरेशन का जो होता है, इनका एक जैसा सिलेबस रहेगा। तो सिलेबस आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा सिलेबस क्या है। आप अगर इसमें से आते हैं तो आपका सिलेबस एक जैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा, है ना, टोटल। फिर देखिए अब किसके लिए है, ये है गार्ड या ट्रेन मैनेजर के लिए। हमने जेई के लिए भी देख लिया, जूनियर इंजीनियर एएलपी टेक्नीशियन के लिए भी देख लिया, अब ट्रेन मैनेजर के लिए क्या है। यहाँ पर ट्रेन मैनेजर के लिए देखिए क्या है, इसमें भी एक सीबीटी एग्जाम होगा, एक ही सीबीटी एग्जाम होगा। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका डायरेक्ट नेवी वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन मोड स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो होने लगेगा, है ना। तो ये है आपका गार्ड्स के लिए, है ना, ट्रेन मैनेजर जिसको हम कहते हैं, गार्ड्स या ट्रेन मैनेजर के लिए। और इनका ये है बेसिकली टोटल डिटेल्स। यहाँ पर मैं बात करूँ तो टाइम 90 मिनट का, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 3 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस जिसको तर्क शक्ति कही जाती है और रीजनिंग मिलाकर के 30 नंबर, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। पीडब्ल्यूडी के लिए 120 मिनट दिया जाएगा पीडब्ल्यूडी विद्यार्थियों के लिए। वही पूछा जा रहा है देखिए, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, है ना, इसमें आपको करंट अफेयर्स, जीके वगैरह ये सब कुछ पढ़ना होगा जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। तो ये टोटल डिटेल्स है। और जो भी स्टूडेंट्स जैसे कि जो आईटीआई से है, जो एएलपी टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, एएलपी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनके लिए जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स का एक सिलेबस में पार्ट आया था, है ना, और टेक्निकल एबिलिटी वाला जो आपका पार्ट है सिलेबस में, उस पार्ट में मशीन्स को भी डाला गया है, और मशीन्स का जो डीसी जनरेटर है ये भी एक पार्ट है। हम डीसी जनरेटर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इससे पहले इसके न्यूमेरिकल प्रश्नों को सॉल्व किए। अब जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइनर क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार का, चाहे रेलवे हो या किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी से रिलेटेड कोई सा भी अपडेट हो, कोई सा भी न्यूज हो, उसका जानकारी पाने के लिए, उसका अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं किसी नए धमाकेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।